नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आपको बताने वाला हूं कि वैदिक मैथ्स के अंतर्गत परम मित्र के आधार पर, यहां पर देखिए हम परम मित्र का उपयोग करने वाले हैं और आपके सामने वैदिक गणित में हल करना सिखाएंगे, वो भी घटाओं की संख्या। जी हां, यहां पर आप देख सकते हैं हमने दो प्रश्न क्यों लिए हैं। आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर दो ही प्रश्न क्यों लिए हैं, तो भाई परम मित्र वाले मेथड को समझाने के लिए ना मुझे दो प्रकार के प्रश्न चाहिए था। पहला प्रश्न जिसमें देखिए ऊपर की संख्या आप देख सकते हैं, ऊपर की संख्या प्रायः क्या हो गया है, नीचे वाला संख्या से छोटा है, तो इसमें हम परम मित्र का प्रयोग करेंगे। लेकिन कभी ऐसी समस्या आ जाए, मतलब ऐसा गणित मिल जाए जिसमें ऊपर की संख्या बड़ा हो, नीचे की संख्या छोटा हो, फिर देखिए ऊपर की संख्या छोटा हो गया, नीचे की संख्या बड़ा है, यहां पर ऊपर की संख्या बड़ा है, नीचे का छोटा है, यहां पर देखिए नीचे का संख्या छोटा है, वहां पर बड़ा है, तो भाई इसमें हम परम मित्र वाले मेथड का उपयोग कैसे करेंगे। तो दोनों ही मेथड इस गणित में आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, इसलिए मैंने सोच समझ कर दो प्रश्न लिया है और इन दोनों प्रश्नों को हम आपके सामने परम मित्र विधि से हल करके बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, गणित में वैदिक मैथ्स बहुत ही शानदार विधि होता है और इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होता है। यदि आपने वैदिक मैथ्स को सीख लिया तो इसके जोड़ घटाओ गुणा भाग सभी प्रकार की संख्या होती है जिसको आपको सीखना चाहिए। तो चलिए आपके सामने मैं पहले बता देता हूं कि इस प्रश्न को हम परम मित्र के मेथड से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले याद रख लीजिए आपको परम मित्र निकालने आना चाहिए। परम मित्र मतलब मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए यहां पर कोई संख्या तीन है, तो तीन का परम मित्र क्या होगा। तो जो भी संख्या का आपको परम मित्र निकालना है, ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे तीन का परम मित्र निकालना है तो भाई जिस संख्या का मुझे परम मित्र निकालना है ना उसमें क्या करना है, दस में अगर आप तीन को माइनस कर देते हैं तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, सात। मतलब तीन का परम मित्र क्या है, सात। या फिर यह कहा जाए जो भी संख्या आपको दिया होगा उसका अगर परम मित्र निकालना है तो आप क्या करिएगा, उस संख्या में क्या जोड़े कि योग जो है 10 हो जाए, तो ये आपका परम मित्र निकल जाएगा। मतलब किसी भी संख्या का परम मित्र निकालना होगा ना तो दिए गए संख्या में आपको क्या जोड़े कि 10 प्राप्त हो जाए तो वही संख्या उसका परम मित्र होगा। या फिर आपको परम मित्र निकालना है तो उसी संख्या को आप 10 में माइनस कर देंगे ना तो जो संख्या आएगा वो उसका क्या होगा, परम मित्र। तो निश्चित रूप से अब आपको बताना नहीं पड़ेगा कि कोई भी संख्या का परम मित्र निकालना है तो उसका परम मित्र क्या होगा। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको ये कहूं कि वैदिक मैथ्स में अगर हम घटाओ की संख्या कर रहे हैं तो दो का परम मित्र क्या होगा, तो भाई निश्चित रूप से दो का परम मित्र क्या होगा, तो भाई आप क्या करिएगा, अब देखिए इसको तो हम मन में कर सकते हैं लेकिन हो सकता है कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो और उसको ये सीखना है तो मुझे बताना पड़ेगा कि परम मित्र निकालना है तो जिसका आपको परम मित्र निकालना है उसको 10 में माइनस कर दीजिए, यहां पर कितना आएगा, 8। तो दो का परम मित्र कितना हो गया, 8 हो गया। अब चलिए इसी मेथड का उपयोग करेंगे और हम आपको बताने वाले हैं कि परम मित्र मेथड से वैदिक मैथ्स के आधार पर गणित को कैसे हल करेंगे। देखिए आपके लिए मैं यहां पर सुविधा के लिए अलग अलग कलर का उपयोग इसलिए कर रहा हूं, जब भी हम परम मित्र का प्रयोग करते हैं तो एक डॉट बिंदु का प्रयोग करेंगे और वही परम मित्र का मेथड होगा, ध्यान दीजिएगा। परम मित्र का प्रयोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग सामान्य घटाओं की संख्या में क्या करते हैं, उधार लेते हैं, यहां से उधार लेते हैं, है ना, संख्या छोटा हो जाए तो फिर उधार लेते हैं, आगे आगे बढ़ते जाता है, वो लास्ट संख्या से उधार लेते हैं और जब हम हल करते जाते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि कहां से कितना उधार लिए थे। तो इस मेथड में आपको उधार नहीं लेना है, बस उस संख्या का परम मित्र जहां पर आपने परम मित्र का प्रयोग किया है वो याद रख लेना है। जैसे सबसे पहले देखिए यहां पर 6 है और यहां पर 9 है, याद रखिए दोनों प्रश्नों को देखिए, दोनों अलग अलग पैटर्न के प्रश्न हैं, क्योंकि ऊपर में देखिए यहां पर 4 है, 4 में 1 को आप आसानी से घटा सकते हैं तो यहां पर आप परम मित्र का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन उसके पहले और बाद में दोनों संख्याओं में परम मित्र का प्रयोग किया गया है तो कैसे करेंगे, तो इसको पहले देखते हैं। अब सबसे पहले यह देख लीजिए, ये जो 6 आपको दिखाई दे रहा है ना वो 9 से क्या है, ध्यान दीजिएगा 6 जो है 9 से छोटा है, मतलब ये घटेगा नहीं, तो हमें बिल्कुल भी उधार नहीं लाना है, कहीं से उधार लाने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, अगर 6 में 9 घटाना है तो मुझे क्या करना है, 9 का परम मित्र ढूंढना है, ध्यान दीजिए 9 का परम मित्र, और अभी आपको बताया है कि 9 का परम मित्र निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 10 में उस संख्या को माइनस करूंगा तो परम मित्र निकल जाएगा। तो यहां पर देखिए ये परम मित्र हमने निकाल लिया, 9 का परम मित्र क्या है, 1 है, तो आपको करना क्या होता है, जहां पर आप परम मित्र का प्रयोग कर रहे हैं, यहां पर हम परम मित्र मेथड का प्रयोग कर रहे हैं तो सामने एक बिंदी लगा देंगे, मैं रेड कलर का लगा रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ आने वाला है। हम यहां पर परम मित्र का प्रयोग कर रहे हैं, 9 का परम मित्र क्या है, 1 है, तो आपको क्या करना है, वो जो परम मित्र संख्या प्राप्त हुआ है उसको आपको ऊपर में जोड़ना है और यहां पर लिखना है, तो 6 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 7, बस इतना ही करना है। अब अगले बार हमेशा याद रखिए
यहां पर आप जब परम मित्र का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर आपने परम मित्र का प्रयोग किया था तो आपने सामने में डॉट लगा दिया था, तो ये परम मित्र हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपने परम मित्र का प्रयोग किया, सामने पर डॉट लगाया। अब आपको क्या करना है, यहां पर संख्या पांच नहीं है, आपको क्या करना है, पांच और कितना मानना है, छह मानना है। ठीक है, छह मानेंगे। अब देखिए छह मतलब चार में आपको छह घटाना है, मतलब नीचे की संख्या फिर से छोटा हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे, अब आपको यहां पर परम मित्र निकालना होगा। पांच का परम मित्र नहीं निकालेंगे, छह का परम मित्र निकालेंगे, और छह का परम मित्र कितना हो जाएगा, छह का परम मित्र हो जाएगा कितना, चार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस चार को, इस चार जो आप निकाल रहे हैं, चार का जो परम मित्र निकाल रहे हैं, चार मतलब छह का परम मित्र आपने चार निकाला, इस चार को आपको जोड़ना पड़ेगा इस चार के साथ, चार और चार कितना हो जाएगा, आठ। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप यहां पर परम मित्र का प्रयोग किए हैं, तो जहां पर आप परम मित्र का प्रयोग करते हैं सामने में आपको डॉट लगाना है, तो यहां पर हमने डॉट लगा दिया, ये देखिए यहां पर हमने डॉट लगा दिया, तो अगला स्टेप हमको फिर से समझ आ गया है। यहां पर याद रखिएगा, यहां पर आठ है, ठीक है, यहां पर सात है। अब क्या करेंगे, अगले में आ जाते हैं, ये जो है चार ना होकर के क्या है, पांच है। अब ऊपर में दो है जो कि क्या है, छोटा है चार से, अब ये चार ना होकर के पांच है, तो पांच का परम मित्र कितना हो जाएगा जी, पांच का परम मित्र तो पांच ही होगा, तो पांच को आपको जोड़ना होगा इस दो के साथ, पांच और दो कितना हो जाएगा, यहां पर सात होगा। यहां पर भी आपने परम मित्र का प्रयोग किया है, तो सामने में आपको क्या करना है, डॉट लगाना है, थोड़ा इंक चल नहीं रहा है, यहां पर आपको डॉट लगा देंगे, मैंने डॉट लगा दिया। ठीक है, तो ये भी परम मित्र का प्रयोग हो गया है। अब क्या करेंगे, सात और एक यहां पर हम क्या मान रहे हैं, आठ मान रहे हैं, तो यहां पर आठ है और आठ का परम मित्र क्या होगा, अब निश्चित रूप से परम मित्र को समझ गए हैं, तो आठ का परम मित्र कितना होने वाला है, दो होगा, तो आपको क्या करना है, इस दो को, ये देखिए सात और यहां पर एक डॉट है मतलब आठ है, तो आठ का परम मित्र दो होगा, और इस दो को आपको इनके साथ जोड़ना होगा पांच के साथ, पांच और दो कितना हो गया, सात। चूंकि यहां पर भी आपने परम मित्र का प्रयोग किया है, क्योंकि ऊपर की संख्या छोटा है ना, तो आप परम मित्र का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर फिर से एक आप क्या करेंगे, यहां पर एक फिर से डॉट लगाएंगे, डॉट लगा रहे हैं मतलब हमको समझ आ रहा है कि पिछले संख्या में हमने परम मित्र का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, तो निश्चित रूप से यहां पर भी हमने डॉट लगा दिया, इंक काम नहीं कर रहा है, तो मैं यहां पर थोड़ा सा काला कलर में कर देता हूं, ये देखिए। अब देखिए यहां पर छह और एक सात हो गया है, क्योंकि हमने परम मित्र का प्रयोग यहां पर किया था, तो सामने वाले में डॉट लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर की संख्या फिर से छोटा है, नीचे की संख्या बड़ा है, अर्थात ये घटेगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, छह और एक सात हो गया। ठीक है, ये सात हो गया है, अब चार में आपको सात घटाना है, घटेगा नहीं, तो हम फिर से परम मित्र का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर सात है ना, सात का परम मित्र कितना होगा, तीन होगा, उस तीन को चार के साथ जोड़ेंगे, चार और तीन कितना हो जाएगा, यहां पर फिर से सात ही हो जाएगा भैया, हो गया काम खत्म। अब देखिए चूंकि यहां पर भी आपने परम मित्र का प्रयोग किया है, तो सामने में फिर एक डॉट लगाएंगे, अब देखिए तीन दिख रहा है और यहां पर हमने डॉट लगाया, मतलब कितना हो गया, चार हो गया, निश्चित रूप से चार हो गया है। अब ये सात है, जो कि ऊपर की संख्या बड़ा है नीचे के संख्या से, तो यहां पर चार है, यहां पर सात है, तो सात में हम डायरेक्ट चार घटाएंगे, यहां पर हम परम मित्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर की संख्या बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे, सात में चार घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, सॉरी यहां पर सात में आप क्या घटाएंगे, चार घटाएंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा तीन। ठीक है, ये देखिए, तो दोस्तों इसको चाहे तो आप मोबाइल कैलकुलेटर का प्रयोग करके भी देख सकते हैं, ये उत्तर जो है बिल्कुल परफेक्ट है और सही भी है आपके सामने। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करके दिखा देता हूँ, ये मैंने कैलकुलेटर निकाला और जो संख्या हमको दिया गया है वो संख्या मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये देखिए हमको जो संख्या क्या का दिया है, 7 4 5 2 4 6, माइनस करेंगे 3 6 7 4 5 9, ये हमने कहीं पे गड़बड़ी किया है, यहां पर हमें 9 नहीं लिखना है, यहां पर हमें क्या लिखना था, 6 लिखना था, 6 गलत टच हो गया था। ठीक है, 7 4 5 2 4 6 और यहां पर हमें माइनस करना है, प्लस हो गया है, ये देखिए गलती हो गया था। अब देखिए ये जो संख्या है बिल्कुल परफेक्ट है, जो हमने यहां पर उत्तर निकाला है 3 7 7 7, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं 3 7 7, उसके बाद 8 7, तो ये तो हो गया पहला वाला मेथड। अब देखिए दूसरा, अगर संख्या जो है कुछ ऐसा हो जिसमें ऊपर की संख्या भी कई बार क्या हो जाए, छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, तब हम क्या करेंगे, तो चलिए ये वाला तो हमने सीख लिया परम मित्र मेथड से, अब नीचे के प्रश्न को हम भी उसी मेथड से बनाएंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंजेस ये हो जाएगा कि ऊपर में भी संख्या कई बार बड़ा है, तो चलिए उसी मेथड का उपयोग करते हैं।
यहां पर तीन है, देखिएगा यहां पर तीन है और छह है, तो नीचे की संख्या बड़ा है, यहां पर तो नहीं कटेगा, तो परम मित्र का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर छह का परम मित्र कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस चार में आपको क्या करना है, इस तीन को जोड़ना है। इसका छह का परम मित्र चार है, तो ऊपर की संख्या जब छोटा हो जाता है तो परम मित्र का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर छह में छह का परम मित्र चार है और इस चार को आपको इसके साथ जोड़ना होगा, तो चार और तीन कितना हो जाएगा, सात। चूंकि जब भी आप परम मित्र का प्रयोग करें सामने एक डॉट लगाएंगे, यहां पर डॉट लगा दिया, अब ये एक ना होकर के क्या है, ये दो है। अब चार देखिए ऊपर की संख्या बड़ा है, नीचे की संख्या छोटा है, तो यहां पर हम परम मित्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर परम मित्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम चार में दो घटाएंगे तो दो तो घट गया, आसानी से घट रहा है, अर्थात यहां पर हमने परम मित्र का प्रयोग नहीं किया, सामान्य विधि से घटा दिया है। तो यहां पर आप डॉट नहीं लगाएंगे, यहां पर आपने परम मित्र का प्रयोग नहीं किया तो यहां पर आप डॉट नहीं लगाएंगे, मतलब ये संख्या स्वतंत्र है, मतलब पांच ही है। अब ऊपर की संख्या फिर से छोटा हो गया, नीचे की संख्या बड़ा हो गया, तो यहां पर आपको फिर से परम मित्र वाले नियम का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब पांच का परम मित्र कितना है, पांच ही होगा। तो आपको क्या करना है, इस परम मित्र संख्या पांच के परम मित्र को उसके ऊपर वाले संख्या से जोड़ेंगे, मतलब पांच में दो जोड़ेंगे कितना जाएगा, सात। चूंकि यहां पर आपने परम मित्र का प्रयोग किया है इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर डॉट लगाना है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर आपने परम मित्र का प्रयोग किया है, तो यहां पर आप डॉट लगाते हैं। ये हो गया काम खत्म। अगले बार क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर छह है और नीचे की संख्या दो है, लेकिन यहां पर परम मित्र का एक बिंदु हमने लगाया है, डॉट लगाया हुआ है, तो यहां पर दो और एक कितना हो गया, तीन हो गया। अब छह में आपको तीन घटाना है, छह में तीन घटाएंगे, आसानी से घट रहा है, लेकिन यहां पर आप परम मित्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये जो डॉट आया है यहां पर हमने परम मित्र का प्रयोग किया था, यहां पर नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर छह में आपको तीन घटाना है, तो आपका उत्तर कितना आएगा, तीन ही आएगा। ये तो हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर देखिए ये पांच है और यहां पर तीन है, लेकिन यहां पर आपने कोई परम मित्र का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए सामने आपको क्या करना है, डॉट नहीं लगाना है, तो तीन सॉरी पांच में आपको तीन घटाना है, जो कि आसानी से घट जाएगा, तो ये आपका उत्तर आ गया। तो दोस्तों इसको आप मिलान करके देख सकते हैं, इससे पहले हमने जो अभी आपके सामने घटाकर बताया था, ये देखिए ये, अब मैं इसको क्या कर देता हूं, पूरा बदल देता हूं, पूरा संख्या को, ये वाला संख्या को लिख लेते हैं 5 6 2 4 3, माइनस करेंगे अब 3 2 5 1 6, ये हमने पूरा संख्या आपके सामने लिख लिया है और उत्तर वही आया है जो हमने पहले निकाला था। देखिए 2 3 7 2 7, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 3 7 2 7, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आया है। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि परम मित्र जो मेथड है बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, और निश्चित रूप से आप इस वैदिक मैथ्स का प्रयोग जरूर करते होंगे। निश्चित रूप से ऐसे ही गणित के शानदार वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से बनाकर दिया जाता है, जो बहुत ही यूनिक होते हैं, बहुत ही मजेदार होते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही दो शानदार वीडियो देखने तो आपको बगल में यहाँ पर दो शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।